दोस्तों, प्रकृति की हर चीजों का हमारे जीवन से संबंध रहता है। हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास में जो चीजें दिखाई देती हैं, जो प्रकृति है, उन सब चीजों का भी हमारे ऊपर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव हमेशा चलता रहता है। इसी प्रकार से नवग्रह का प्रभाव भी हर व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। अब वह किसी ग्रह से शुभ तो किसी से अशुभ, अब बैलेंस बराबर है या नहीं है, यह तो आप जान नहीं पाते, लेकिन शुभ का शुभ फल और अशुभ का अशुभ फल हमें भोगना ही पड़ता है। यही कारण है कि हमें कभी अच्छी खबर भी सुनने को मिलती है तो कभी बुरी खबर भी सुनने को मिलती है। तो जीवन यूं ही निरंतर चलता रहता है, परंतु यदि हम चाहें तो अपने सभी ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वह कैसे? दोस्तों, अब छोटे छोटे उपाय हुआ करते हैं और छोटी छोटी क्रियाएं यदि हम करते हैं तो हमारे लिए वह जो ग्रह अशुभ है वह भी शुभ बनने लग जाता है। अब आज का जो मैं प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों, प्रयोग बड़ा आसान है। इस प्रयोग को करने से आपके सारे ग्रह, शनि हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, ये तो हैं वह ग्रह जिनसे अक्सर पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यह ग्रह तो अपना शुभ फल देंगे ही देंगे, लेकिन इसके साथ में और सारे ग्रह जो हैं वह भी यदि किसी की दृष्टि ठीक नहीं है, अशुभ जो दृष्टि पड़ रही है, तो वह भी हमारे फेवर में होने लग जाएंगे। अब शनि, राहु, केतु और मंगल से लोग विशेष प्रभावित रहते हैं। अब इनका एक एक उपाय करते हैं तो समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जीवन में उलझ करके रह जाते हैं और उसमें समय भी अधिक लगता है। नवग्रह की पीड़ा को दूर करने के लिए सभी ग्रह हमारे पक्ष में रहें, इसके लिए 7 प्रकार का अनाज या 7 प्रकार की मिठाई, ये चीजों का बड़ा महत्व हुआ करता है। इनका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हुआ करता है दोस्तों, जो आप समझ नहीं पाते हैं, और इस दृष्टिकोण से भी यह दोनों चीजें हमारे लिए बड़ी काम की हैं। 7 प्रकार के अनाजों का तो आपको विभिन्न प्रकार से उल्लेख हमने कई बार बताया होगा, लेकिन आज मैं बताऊंगा 7 प्रकार की मिठाइयों का उपयोग, यानी 7 प्रकार की मिठाइयाँ जो हलवाई के पास जाएंगे तो अलग अलग तरह के मिष्ठान बना करके रखते हैं। अब वो लड्डू, बर्फी, पेड़ा, जलेबी, वो इमरती जो भी है उसके पास में, वे अलग 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 तरह की हुआ करती हैं। बस उनमें से आपने लेना किस प्रकार से है और इनका क्या करना है, यदि ये समझ लिया तो समझ लेना आपकी आज से ही नवग्रह की पीड़ा भी दूर हो गई दोस्तों। अब दोस्तों, आपने करना क्या है? मैं सत्यनारायण शर्मा, 6 माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। है किसी पर नवग्रह की पीड़ा? अब अपनी हलवाई की दुकान पे चले जाना और आधा किलो मिठाई मांग लेना, कम भी मांग लेना कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उससे कह देना कि एक एक पीस ही 7 प्रकार के रख दे। उसके पास हुआ करते अलग अलग तरह के 7 पीसेस रख देंगे, वो जितना भी हो उसको भुगतान कर देना, पैसे दे देना, ले आना घर पर। अब जरूरी नहीं है कि ये
जो मिठाइयां हैं ये सारी ही आपने प्रयोग में लानी हैं, पर इसमें से भी थोड़ा थोड़ा ही प्रयोग में लाना है आपको लेना है। अब दोस्तों ये मिठाई लाने के बाद आपने बृहस्पतिवार का इंतजार करना है। गुरुवार के दिन आपने इस प्रयोग को अब कार्य में लेना है और आपने एक गोले की आवश्यकता होगी जो नारियल के अंदर रहता है गोला। नारियल को तो आप जानते हैं उसके अंदर निकलता है गोला जिसको हम विभिन्न प्रकार से अपने घर में काम में लेते हैं दोस्तों। इसे हम यज्ञ करते हुए भी पूर्ण आहुति में भी प्रयोग में लिया करते हैं। इसको काट करके कई बार हम अपना खीर हलवा बनाते हैं, कोई मिठाइयों में डाला जाता है, उसे गोला कहते हैं। बस एक गोला ले लेना और ऊपर से इसको काट लेना थोड़ा थोड़ा गोल करके, और इसमें आपने ये जो 7 प्रकार की मिठाइयां लेकर के आए हैं इन मिठाइयों में से थोड़ा थोड़ा ही लेना है और गोले में डाल देना है। इतना ही तो काम है दोस्तों। अब जो ये आपने गोले में डाल दिया है तो अब गोले का ढक्कन ऊपर से बंद कर देना जहां से काटा है। अब इसको आराम से धागे से बंद कर देना, लाल धागा मोली ले लेना, उससे लपेट देना। बस दोस्तों गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन आप कहीं पे चले जाएं जहां पीपल हो। पीपल के आसपास की जगह कच्ची होनी चाहिए अपने, जहां से आपको थोड़ा सा खोदना पड़े। तो आप कहीं से बाहर निकल जाएं, निर्जन स्थान पे कोई पीपल हो तो अति उत्तम है। बस दोस्तों करना क्या है, हाथ में गोला लेकर के आपने पीपल की क्लॉकवाइज सीधे यानी कि 7 परिक्रमा करनी है। गोला हाथ में है, 7 परिक्रमा करनी है आपने, अपनी उंगली पे गिनते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब परिक्रमा करते हुए आपने यह 7 मंत्र बोलने हैं, एक परिक्रमा पे एक मंत्र बोल देना। सर्व नवग्रह पीड़ा शांतर्थे श्री वृक्षराज नमोस्तुते। अब एक चक्कर लगाएंगे तो बस यह एक मंत्र बोल देंगे। सर्व नवग्रह पीड़ा शांतर्थे श्री वृक्षराज नमोस्तुते। आसान सा मंत्र है, आप एक चक्कर लगाएंगे, एक मंत्र बोल देना। 7 बार आपने क्लॉकवाइज चक्कर लगाना है और आपने अब इस गोले को इस पीपल के नीचे थोड़ी जगह खोद करके, किसी से खोद लेना, खुद जाएगी जरा सी, जिसमें गोला चला जाए अंदर, बस उतना ही खोदना है दोस्तों। खोद करके गोला रख देना और गोला बाहर से दिखाई ना दे थोड़ी सी मिट्टी से ढक देना दोस्तों। भूमि में रहने वाले जंतु या जो भी कीटाणु हैं, जो भी जीवाणु हैं, जो भी अंदर हैं, जैसे जैसे गोले को टच करेंगे, समझ लेना आपकी जो नवग्रह से आने वाली पीड़ा है सब समाप्त होने लग जाएगी। अब इसे एक ही बार करना है और यदि चाहते हैं कि कभी हमें इसका फिर नवग्रह से पीड़ा ना आए तो 6 महीने में एक बार इस प्रयोग को कर लिया करें। 6 महीने में क्या जाता है आपका? प्रयोग बड़े आसान हुआ करते हैं दोस्तों। अब आप बार बार में इस ग्रह से परेशानी, उस ग्रह से परेशानी, दोस्तों सारी परेशानियां दूर होने लग जाएंगी। कर लेना, अब छोटा सा काम है, ये भी ना करेंगे तो दोस्तों फिर क्या करें। आपकी बुद्धि मानती है तो जरूर कर लेना, अच्छा लगता है तो किसी को बता देना और अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।